हमारे राहुल बाबा का कुछ हो गया तो इस टाइटैनिक रूपी कांग्रेस को हम अकेले कैसे डुबाएंगे? इंदौर आप देख रहे हैं भैया, ये क्या हो रिया, और मैं हूँ अवधेश पंडित। जैसे कुत्ते की मौत उसका पीछा नहीं छोड़ती, इमरान खान की बेइज्जती करना उसकी आवाम नहीं छोड़ती, मोदी जी की तारीफ करना दुनिया की मीडिया नहीं छोड़ती, वैसे ही राहुल बाबा की बुरी किस्मत उनका पीछा नहीं छोड़ती। जी हाँ, राहुल बाबा ये वही शख्स है जो अगर किसी पे केस भी करने जाए तो उल्टा इन पे मानहानि का दावा ठुक जाता है। ऐसा कुछ नहीं किया है, भरे कोर्ट के अंदर थप्पड़ मार दिया इनको, अब क्या आरडीएक्स लगा देगा इनके नीचे? जी हाँ, राहुल बाबा के जीवन में इतने कांड पे कांड हो रहे हैं, इतने कांड पे कांड हो रहे हैं कि अगर इन्हें कन्वर्ट करके एक अध्याय में तब्दील कर दिया जाए तो ये कांग्रेसियों के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी ग्रंथ बन सकता है, जिसका अनुसरण करके कांग्रेसी इनकी मर्यादा को जीवित रख सकते हैं। राहुल गांधी के जीवन में इतनी पनौतियां हैं कि जिसे देखते हुए कई ज्योतिषाचार्यों का ये भी कहना है। और ऊपर से शनि आने वाला है। तूने तो कहा था कि शनि पिछले हफ्ते चला गया। हाँ चला गया था, लेकिन लोगों की जिंदगी में शनि दोबारा 7 साल तक नहीं आता है, पर तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि पनौतियां कैसी लग रही है। सबसे पहले तो उनसे एसपीजी सुरक्षा छीन ली गई, जिसके बाद उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता यानी सिद्धू पाजी ने बोला कि भैया एक तो मैंने अपना करियर बर्बाद करके कांग्रेस ज्वाइन करी, अब ऊपर से हमारे राहुल बाबा का कुछ हो गया तो इस टाइटैनिक रूपी कांग्रेस को हम अकेले कैसे डुबाएंगे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, है कि नहीं? इतना ही नहीं, राहुल बाबा के साथ दूसरा कांड तब हुआ जब राफेल पे फेल राहुल बाबा एक बार फिर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उनको क्या बोला? पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, समझा? और इसी के साथ कांड पे कांड चले जा रहे हैं और एक और कांड उनके साथ हो गया। कांड है यंग इंडिया का। जी हाँ, राहुल बाबा ने यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बताने की कोशिश करी, लेकिन उसके इस ट्रस्ट पे किसी ने ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि उसने कुछ चैरिटी नहीं करी थी। जी हाँ, अब राहुल बाबा के साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आपको वक्त ही बताएगा, लेकिन आप देखते रहिए भैया ये क्या हो रहा। हम अगले वीडियो और जल्दी लेकर आएंगे।